प्रश्नावली दो का पहला प्रश्न, दिए गए आलेख 10 में, ये जो आलेख नीचे में दिया हुआ है 10, उसमें बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P की Q व R से दूरी, मतलब बिंदु P ये है, इसका Q से दूरी और R से दूरी, मतलब Q P और R P हमें निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, पहला एक आलेख दिया हुआ है, P 2 पे है और Q -3, -1 और 3 और R 3 और 2, वन टू, टू पर बिंदु है P, है ना, इसका मान है x के लिए 2, y के लिए 0, ऐसा ही है। और R बिंदु है 3 और 2 के लिए, 3 और 2, x के लिए 3, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 बिंदु, 3 x और 2 y के लिए, 1 2 1 2, यहाँ पर ट्रेस करता हुआ हमें बिंदु मिलेगा R यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 3 और 2 बिंदु R, उसके बाद -1 और 3 C, -1 और 3 Q, -1 यहाँ पे और 3 प्लस Y का, तो Y अक्ष में 3, ये Y हो गया, ये Y डेस, ये X हो गया, ये X डेस, तो -1 और 3 वाई के लिए ना, वाई अक्ष पे 3, तो यहाँ पे मिलेगा बिंदु हमें -1 एंड 3, ये बिंदु क्यों ऐसा बना है, ये जो त्रिभुज बना है वो ये मिला करके पी क्यू आर करके एक त्रिभुज बना है, तो ये जो बिंदु पी है उससे क्यों की दूरी और R की दूरी हमें निकालनी है। मतलब क्वेश्चन क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू आर पी, पी आर सॉरी इज इक्वल टू पी आर बराबर है प्रश्न चिन्ह, यही हमारा प्रश्न है कि बिंदु P से P की क्यू व R से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसको लगा देंगे और P से Q और R की दूरी हमें मिल जाएगी। PQ की दूरी निकाल लेते हैं पहले। PQ की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, पहले बिंदु P और Q क्या है, P क्या है 2 और 0 और Q क्या है -1 एंड 3, है ना। तो सूत्र क्या होता है, पी क्यू की दूरी का सूत्र हो जाएगा रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, वही सूत्र होता है सबके लिए, प्लस का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स टू, किसको मानेंगे, इसको एक्स एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू थ्री माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर रूट ओवर माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर, माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ओवर तीन तिया नौ धन तीन तिया नौ इज इक्वल टू
रूट ओवर 18, 9 प्लस 9 18। अब देखते हैं ये 18 से क्या बाहर निकलता है, इसका गुणनखंड करके। 2 निया 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो जोड़ी किसकी बनी, 3 एंड 3, बचा क्या, 2, 2 रूट ओवर के अंदर, 3 रूट ओवर 2। पी क्यू की दूरी क्या मिली, 3 रूट 2, यही हमारा आंसर है। पी क्यू की दूरी क्या मिला, 3 रूट 2। उसी प्रकार से इस चित्र को देख करके किसकी निकालना है दूरी, पी आर की दूरी निकालना है इसी सूत्र में रख करके। पी आर की दूरी बराबर, लेकिन पी बिंदु क्या है, 2 एंड 0, और आर बिंदु क्या है, 3 एंड 2, तो पी आर की दूरी का सूत्र यही हो जाएगा। और सूत्र में एक्स टू एक्स वन के मान रखेंगे, x2 y2 x1 y1, है ना। तो एक्स टू क्या है, 3, माइनस एक्स वन है 2 का होल स्क्वायर, प्लस एक्स वाई टू क्या है, 2 माइनस वाई वन क्या है, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, 3 में 2 माइनस किए तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में 0 माइनस किए तो 2 का होल स्क्वायर, क्या आया, रूट ओवर 1, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू रूट ओवर 5। अतः पी आर की दूरी क्या मिली, रूट ओवर 5 मिली, रूट 5 या फिर वर्गमूल 5, यही हमारा क्या है, पी आर की दूरी, बिंदु पी आर की दूरी है, और यही हमारा आंसर रूट 5। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेख 10 को देखकर ए सी ए बी व बी सी की का मान ज्ञात कीजिए। इसमें नीचे में और बिंदु दी हुई है ए बी और सी, तो ए सी बी सी और ए बी की दूरी को ज्ञात करना है, का मान निकालना है, मतलब उसी की दूरियों को, इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियों को हमें निकालना है। पहले आलेख बना लेंगे, फिर इसके बाद ए बी सी बिंदु को दर्शाएंगे। किसमें दर्शाना है, ऋणात्मक में। तीनों बिंदु किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो एक एक्स का धनात्मक, वाई का ऋणात्मक बिंदु है सब, है ना। तो बिंदु क्या है, ए 3 एंड -2, 3 किसका, एक्स का, 1 2 3 1 2 3, 3 एंड -2 किसका, वाई का, 1 1 2 -1 -2। इसको ट्रेस करके हमें बिंदु मिला यहाँ पे ए 3 एंड -2। अब बिंदु बी क्या है, 6 एंड -2, 6 किसका, एक्स का, 3 4 5 और यहीं पे 6 एंड -2, 6 एंड -2, इसी लाइन में हमें बिंदु बी मिलेगा, इसी लाइन में 6 में, 6 एक्स अक्ष का 6 और वाई अक्ष का -2, बिंदु बी, इसका निर्देशांक क्या है, 6 एंड -2, ठीक है। उसके बाद बिंदु सी दिया हुआ है 3 एंड -4, 3 किसका, एक्स का, और -4 किसका, वाई का, -3 -4, 3 एंड -4, यहाँ पे मिलेगा हमें बिंदु सी 3 एंड -4। तो ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी और ये बिंदु है सी, इन्हीं बिंदुओं के क्या निकालना है हमें, कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलो
ये एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक ये सिक्स है ना, एक्स निर्देशांक ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष, और ये बीच मध्य बिंदु हो गया जीरो ओरिजिन। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है ए बी ए सी और ए बी ए सी और सी बी बी सी की दूरी या फिर बी सी का मान निकालिए। ए सी ए बी व बी सी का मान, मतलब कि उसका दूरी ही निकालना है ना। तो पहला तो ए सी की दूरी निकाल लेंगे। पहला दिया हुआ है ए और सी के बीच की दूरी क्या होगा। पहले तो ए का जो निर्देशांक है, ए बिंदु का निर्देशांक उसको लिख लेते हैं 3n-2, और सी का निर्देशांक है सी बिंदु का 3n-4, इन दोनों का निर्देशांक लिख लिए। अब ए सी की दूरी का सूत्र लगा लेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र सेम होता है। सूत्र लगा लिए x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर x2 क्या है 3-3, 3-3 का स्क्वायर इस प्लस -4 x2 y2-y1 -4 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3-3 0 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 4 -4 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर मतलब कि 2 × 4 रूट ओवर कितना आया 4। अब रूट ओवर 4 का वैल्यू क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू मिला हमें 2। रूट ओवर 4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। ये ए सी का मान हमें मिल गया, या फिर ए सी का दूरी कहना चाहिए 2, यही हमारा आंसर है। अब ए सी का मिल गया, उसी प्रकार से ए बी के बीच की दूरी मिल जाएगी इसी सूत्र में, रख करके 2 किसका निकला है ए सी की दूरी है ना। अब ए बी की दूरी निकालना है तो इसी सूत्र में रखेंगे और ए और बी के पहले निर्देशांक लिख लेंगे। ए का निर्देशांक तो वही 6 3n-2 और बी का निर्देशांक है 6n-2 6n-2 दूरी किसकी निकालनी है ए बी की, तो ए बी बराबर रूट ओवर x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। x2 y2 का मान रख देंगे, x2 का मान क्या है 6 - x1 का मान है 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 है ना, इज इक्वल टू रूट ओवर ये x1 x2 y2 x1 y1 माने थे, तो यहाँ पे मिला क्या 3 का स्क्वायर प्लस -2 - +2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 3 * 9 और -2 + 2 हो गया क्या 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 9। अब रूट ओवर 9 का वैल्यू क्या होता है ए बी इज इक्वल टू 3 * 9 3, यही हमारा ए बी के बीच की दूरी है 3। अब या फिर ए बी का मान बोल सकते हैं, ए बी का मान क्या मिला 3, ए और बी के बीच की दूरी का मान मिला 3 इकाई, और इससे पहले ए और सी के बीच की दूरी का मान निकला था 2 इकाई। उसके बाद देखते हैं इस तीसरा है बी सी की दूरी है ना, बी और सी का मान लिखना है यहाँ पे बी सी, सेम है बस बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र सेम है, बस बिंदुओं को हमें बदलना है। बी और सी के बीच की दूरी, तो बी का निर्देशांक है 6 एंड -2
और सी का निर्देशांक है सी बिंदु का 3 और -4। बी सी की बीच की दूरी का सूत्र वही होगा, बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 x1 का वैल्यू बदल जाएगा। एक्स टू क्या है यहाँ पे 3 x1 है 6 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -4 -2 का होल स्क्वायर। क्या मिला यहाँ पे, मिला -3 का स्क्वायर प्लस -4 -2 का स्क्वायर। बचा क्या, 3 3 9 धन, ये हो गया -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9 2 2 4 9 10 11 12 13 रूट ओवर 13। बी सी बी सी के बीच की दूरी क्या मिली हमें, रूट ओवर 13। यही हमारा क्या है बी सी की मान या फिर बी सी की बीच की दूरी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अब इस आलेख से जुड़े क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड बिंदु 3 और 4, मतलब x का निर्देशांक है 3 और y का निर्देशांक है 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई आलेख नहीं दिया हुआ है, लेकिन बस बिंदु दे दिया हुआ है, बोला है कि मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु क्या होता है आलेख में, ये जो ओरिजिन होता है ना मध्य में, x और y का मध्य बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। तो एक बिंदु दिया हुआ है मान, उसको हम ट्रेस करेंगे और पता करेंगे कि कहाँ पर है वो बिंदु और उसकी मूल बिंदु से दूरी हमें निकालनी है। बिंदु का मान दिया है 3 और 4, आलेख बना लेते हैं। 3 किसका, x का 1 2 3, और 4 किसका, y का, प्लस में दोनों 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 है ना, x x डैश y y डैश, और ये है मूल बिंदु ओरिजिन। तो x में 3 बोला था बिंदु और y का 4, कहाँ पे मिलेगा बिंदु हमें, यहाँ पे है ना। ये बिंदु मान लेते हैं P, इसका दिया हुआ है मान, मतलब निर्देशांक क्या दिया हुआ है 3 और 4, और ये हमारा मूल बिंदु। तो इस बिंदु से मूल बिंदु तक की दूरी ये रही। अच्छा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x का y 0 और y का 0, मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 0। तो इस मूल बिंदु O से P तक की दूरी निकालना है, दोनों के निर्देशांक भी हमें पता है, तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा के बना सकते हैं। मूल बिंदु O, इसका निर्देशांक है 0 और 0 से बिंदु P, जिसका निर्देशांक है 3 और 4 के बीच की दूरी निकालना है, निकाल लेते हैं। O दिया हुआ है 0 और 0 और P बिंदु दिया हुआ है 3 और 4, तो P O की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर x2 क्या है 3 - x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 का माइनस y1 क्या है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ये x2 y2 और x1 y1, इसको माने थे 3 - 0 मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 मतलब कि 4
का स्क्वायर। इज इक्वल टू रूट ओवर 3 * 3 = 9, 4 * 4 = 16। पी ओ की दूरी निकाल रहे, पी ओ इज इक्वल टू कितना मिला, रूट ओवर 25। रूट ओवर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5, है ना। रूट ओवर 25 किसका रूट है, 5 का रूट है। तो पी ओ की बीच की दूरी हमें मिली क्या, 5। आंसर ये हमारा क्या है, आंसर। अतः मूल बिंदु से बिंदु पी की दूरी या फिर बिंदु 3 और 4 की दूरी क्या मिली, 5। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पी ए बराबर हो पी बी हो, यदि पी ए इज इक्वल टू पी बी हो तो, तथा बिंदु ए बी का के निर्देशांक क्रमशः 2, 0 व -2, 4 हो तो, और पी वाई अक्ष पर स्थित हो, तब पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे वाला प्रश्न को।